जी प्रणाम पंडित जी, हम लोग जस्ट 2-4 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जी और नमस्कार। आज पहला पहला दिन है जो हम बापूजी ने जो 47 ईयर्स से जो संगीत समारोह की स्थापना की है, ये 48th ईयर है। और मैंने सोचा कि आपके आशीर्वाद के साथ ये काम शुरू किया जाए। आज ये पहला दिन है जिनने इसका काम आज ऑफिशियली शुरू किया है लोगों सबके सामने। तो मेरे लिए तो मैं क्या बताऊं, आप तो खुद जानते हैं कि अगर आपको याद होगा, शायद आपको याद भी नहीं होगा, जब जलसा टीवी के लिए आइडिया जलसा जब टीवी के लिए शूट हुआ था तो बहुत लोगों की शूटिंग वगैरह सब हो गई थी। और मैंने बापूजी से ऐसे ही पूछा कि मैं किस किन किस कलाकार से शुरू करूं, तो बापूजी ने कहा था हरी बाबू से शुरू करो, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वाह आज मुझे उनकी ये वाह याद आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा जी है जैसे हैदराबाद का जो आज का जो पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह 48th ईयर जी की शुरुआत आपसे ही हो रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बापूजी ही ये सब मुझसे करवा रहे हैं। अरे बस बस वाह। ये हमेशा हमेशा हजारों वर्षों तक ये कंटिन्यू रहेगा। जो पंडित जी ने सोचा जो किया वो हैदराबाद में ऐसा कार्यक्रम ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। पंडित जी, आप कई बार आए हैं इस समारोह में और आपने इस प्रोग्राम में आप जहां भी जाते हैं, खैर उस समारोह उस मंच की शान दुगनी हो जाती है। और आपने जब जब बापूजी ने आपको फोन किया था कि आपको आना है, तो आप 1 मिनट के लिए भी आपने नहीं सोचा और आप बोलते थे कि हाँ बस मैं डेट बताता हूँ आपको कौन से दिन आ सकता हूँ। तो ये तो जी हम कभी भूल ही नहीं सकते। और आपका वहां रहना, आपका वहां आके जो एक बजाना और बापूजी का आपका बजाना सुन के जो जो एक उनके मन में जो उत्साह होता था, इतनी खुशी जी आपको जी देखते। तो आपसे मैं 2-3 बातें और भी अलग से करूंगी, क्योंकि जी आपने मुझे लगता है बापूजी ने डुएट आपके अलावा इतना ज्यादा किसी के साथ नहीं गाया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिल का प्यार होता है ना, वो दिखाई पड़ जाता है कभी कभी। तो वो उनके उनको इतना प्यार था मेरे ऊपर कि वो बस कह रहे थे कि बैठेंगे आज, हम जरूर बैठेंगे आपकी इच्छा है तो। हम लोग जी कई बार, बहुत बार हुआ ऐसा कि हम बैठे साथ में, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया। हम लोग के क्या कहते हैं, दिल और हमारे जो रिलेशन को, और हंसी मजाक भी हो रहा है और गाना बजाना भी हो रहा है, तो लोगों ने इतना ज्यादा एंजॉय किया कि मैं इसके बारे में ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी जब उनसे मिलता था तो उसको हमेशा याद करता था, और उसको याद करके बहुत आनंद होता था। जी तो इसमें 2 चीजें होती थी। एक तो बापूजी हमेशा काली एक से गाते थे और आप सफेद तीन में बजाते हैं, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गलत भी कह सकती हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सुरीली हैं आप, आपको नहीं, गलती भाषण हो का भी तो ज्ञान है। सकती है चाचा जी, मगर आप फिर भी बिल्कुल मुझे आप करेक्ट प्लीज आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलती कर रही हूँ तो, क्योंकि मुझे समझ जाऊंगी मैं। तो बापू बिल्कुल जी काली नहीं, दो बिल्कुल में ठीक। काली दो में गाने की मतलब गाते थे, आप भी अपना स्वर उतारते थे। तो दोनों का कहीं पे भी मुझे कभी कभी नहीं लगा कि किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये टेक्निकली दो इतने जो आपने इतने वर्षों से ये आप एक आप तो खैर आपने तो कमाल ही किए हुए सब, लेकिन जो एक होता है कि क्लासिकल परफॉर्मेंस के लिए एक स्वर स्थान को स्थापित करने में लोगों के एक एक उम्र निकल जाती है, तो लेकिन वो 2-2.5 वर्ष सही है, स्थान को चेंज करना सही कितना है। जरूरी है या कितना मुश्किल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं यही कहता हूं कि जब दिल लगता है ना तो कुछ भी ऐसी घटा, कुछ ऐसी चीजें याद नहीं आती हैं। और बहुत अच्छा लगता है, उनको स्वर का भूल जाता था, कौन से स्वर में हम गा रहे हैं।
हमको लो में गाना चाहिए ना हाई में गाना चाहिए। मैं भी ये भूल जाता था कि मुझे कोई, अरे हम लोग रोज ही गाना बजाना इधर उधर करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो इसकी बात भूल जाते हैं। हम सिर्फ स्वर की क्या कहना चाहिए, प्रार्थना करते थे कि इतने बड़े आदमी के साथ मैं बैठा हूँ, उनका मूड कैसा होगा, कभी हो सकता है नाराज ना हो जाए, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये भी होता है ना कि उनको खुश रखना, तो हमने कभी ये सोचे ही नहीं कि कौन सा सुर है क्या होगा, या कि झगड़ा हो रहा है, नहीं साहब इसमें आप नहीं गाएंगे, इसमें आप गाएंगे। हमने हमारी कभी इन बारे में बात ही नहीं हुई, हाल ये कहते थे, वो कहते थे हरी बाबू क्या राग बजा गाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा जो आपकी पंडित जी इच्छा होगी हम भी उसमें लीन हो जाएंगे। तो बस मैं उनसे यही कहता था, और बोलते नहीं नहीं कुछ अगर आपके दिल में है, मैंने कहा नहीं जो आप गाएंगे वही अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कितना निकाला, कितने सालों हम साथ में गाना बजाना भी करते, मिलते जुलते भी, और एकदम जैसे भाई से भी ज्यादा हमारा प्यार रहता था, ये कोई नहीं समझ सकेगा। वो मंच पे वो प्यार, वो प्रेम, वो इज्जत, वो सब कुछ दिखाई देती थी, और उसी की वजह से वो डुएट से ज्यादा दोनों के जो, दोनों का जब संगीत एक होकर जब निकलता था और लोगों के दिलों में जो आर पार होता था, वो चीर के निकलता था, वो जिन लोगों ने सुना है वो दे आर ट्रूली ब्लेस्ड। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में कई बार ये अवसर आया, और बिल्कुल, और उनको इतनी खुशी होती थी आपके साथ गाते गाते वक्त। और चाची जी, आपने तो पूरा ही फ्लूट का एक टेक्निक इतना चेंज कर दिया कि आपने उसका कोई भी स्वर हो, चाहे उसका कोई भी स्केल हो, आपने लोगों को समझाया है कि उसमें से रास्ता कैसे निकल, सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि उसको इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना डिवाइन, और इतना लोगों को लगता है बड़ा इजी है लेकिन इतनी दिक्कत है। तो उसके लिए जो प्राय मतलब जो सीख रहे हैं फ्लूट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही उठा के कुछ कुछ बजाना शुरू करते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या राय देना चाहेंगे? बहुत लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि अरे मैं तो थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ, और सचमुच एक फ्लूट की तरफ आकर्षण बहुत जबरदस्त रहता है। ये तो सही बात कहा आपने, और आप भी ऐसी है ना, इतनी सुरीली है, इतनी दूर तक सोच ले जाती है, आपको ऐसी ऐसी बातें पूछती है, आज तक मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं पूछा। एक तो बांसुरी ऐसा वाद्य है ना कि देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि बहुत ही सिंपल है, ट्यूनिंग करना नहीं है, तार नहीं है, चमड़े नहीं है, लेकिन जब बजाता है आदमी तो यही सोचता है बजाओ तो क्या बजाओ, फोक म्यूजिक बजाओ जिससे, जिसके लिए बांसुरी बना हुआ है। और आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा राग बजाया, कौन सा ताल में बजाया, कि किसी को ध्यान में नहीं है, ना मालूम है, ना कोई मालूम होगा, लेकिन सारी गोपियां और सारी दुनिया उनके पीछे घूमती थी। तो जरूर इस वाद्य में कुछ भिन्नता है दूसरे वाद्यों के प्रति, और मैंने ये देखा है कि ये वाद्य जितना साधारण बनाया गया है उतना ही लोग इसको, इसके ध्वनि को बहुत प्यार करते हैं, सुनने की बहुत इच्छा रखते हैं। और मुझे क्या लगा कि मैंने जब शुरू किया तो मैंने कहा ये मैं इस मार्केट में मैं कैसे फिट होऊंगा, तो मेरे दिमाग में चिंता हुई कि तो बहुत मुश्किल है सच्ची, मैं तो फिल्म वाला आदमी हूँ, फिल्म में स्टूडियो से उस स्टूडियो, स्टूडियो से इस म्यूजिक डायरेक्टर, ये प्लेबैक सिंगर, इसी में था। तो मैंने कहा चलो अब ये भी ट्राई करते हैं जरा, तो ऐसे ही हो गया कि हम जब लेके निकलते थे देखते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लोग क्या सुनना चाहते हैं, मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए इसके बारे में। तो बहुत मैंने सोचा, तो मैंने कहा ऐसा हो कि जिसमें कि लोगों को बोर भी ना लगे, पहाड़ी भी सुन ले, लेकिन राग भी सुने, उसका भी आनंद उठाए। तो मैंने करके ऐसी तैयारी किया, और अभी भी ये तैयारी चल रही है हमारी, और ये इस जीवन में यही तैयारी चलती रहेगी, क्या सीखना है और क्या बजाना है, लोगों को कैसा आकर्षित करना है। और इस वजह से मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगले जन्म में मेरा कुछ, अगर कभी बांसुरी वादक हुआ तो फिर उसका रूप भी अलग होगा बजाने का, और मकसद भी अलग होगा, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अलग रास्ता होगा, गोपियों के लिए नहीं लेकिन हमारे मित्रों के लिए जो संगीत प्रेम रखते हैं। तो नहीं वो तो भाग्य में नहीं था, तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन सुरीले लोग अगर बोले कि हमको सिर्फ बांसुरी बजाना है, तब मैं सोचूंगा कि मेरी जीत हुई है।
मैंने कृष्ण भगवान को ऐसे कभी सुना ही नहीं। मैं उनका भक्त हूँ, उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कभी गोपियों को नहीं सिखाया। क्या मालूम क्यों नहीं सिखाया, सिखाने लायक नहीं थी बात, या क्या बजाते थे तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अगले जन्म में मैं कुछ करूंगा, अगर इंसान ने मुझे प्यार करके बनाया ऐसा बांसुरी वादक, तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मेरे पीछे अभी दुनिया बांसुरी हाथ में लेके घूमे। गोपियां नहीं तो सब जितने हैं, सभी लोग, बच्चे छोटे बड़े, सब हमारे साथ घूमे। पंडित जी आपके पीछे तो पूरी दुनिया, गोपियां, सब पागल है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने आपके साथ बड़ी ट्रैवलिंग भी की है, तो सारे ग्वाला दीवाने पागलों की तरह घूम रहे आपके पीछे पीछे। तो श्री कृष्ण भगवान से क्या आप कह रहे हैं, बापू जी तो हमेशा आपके लिए कहते कि हरि को प्रसाद में बांसुरी दी है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो इससे ये हमारे लिए तो बापू जी ने कहा यही है, यही हरि की बांसुरी है, इससे और मधुर स्वर बांसुरी का हो नहीं सकता। और मेरे लिए तो, और हमारे जैसे अनेक लोगों के लिए ये सत्य है, क्योंकि इतना सुर जो, इतनी जो मधुरता, उसकी बात करना चाहूंगी कि आपने जो एक टोन के पीछे, जो एक बांसुरी का टोन कैसे होना चाहिए, आपका जब बांसुरी का टोन आता तो ऐसा गोल आता है जैसे कोई, मतलब पूरा उसका फिजिकल फॉर्म ऐसा लगता है कि आपके पास आके आपको छू रहा है। मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे ऐसे मेरे हाथ को छू रहा है ये स्वर, कभी कहीं प्यार से ऐसे सर पे छू के जा रहा है। तो ये जो टोन के पीछे आपने क्या सोच के और किस तरह से उसके पीछे मेहनत की है? देखिए कितना बढ़िया सवाल आपने पूछा, मैं नर्वस हो रहा हूँ आपके ऐसे सवाल को जवाब देते हुए। देखिए नहीं, सच में कह रहा हूँ, भगवान देखिए अच्छे अच्छे लोगों को पैदा किया है जिसको दुनिया पूजा करती है, दुनिया देखना चाहती है, दुनिया सुनना चाहती है। लेकिन अगर उस इंसान का चेहरा लगता है किसके साथ कि चेहरा क्यों ठीक नहीं है, इतना गुणी आदमी, भगवान ने किस तरीके से इसको जन्म देके और कितना इसको विद्वानों के साथ रखा, फिर चेहरा ठीक नहीं है। तो वही मैं सोचता हूँ कि अगर वाद्य का ध्वनि अच्छा ना हो, साउंड अच्छा ना हो, तो जो भी कर बजाएंगे आप, गाएंगे, वो ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने कहा जो पहली जो साउंड की बात है उसको पहले हम लोगों को देखना चाहिए, वो जाके लगती है। अगर वो बात नहीं लगी दिल में तो भूल जाइए कि आप बहुत दूर हैं श्रोतागण से। और अगर प्यार पादा है तो पहले सीखने का, पहले साउंड को अच्छा करिए, जैसे हमारी वॉइस हो अच्छी हो, हमारा बोलना अच्छा हो, वैसे हमारा जो वाद्य उसकी ध्वनि अच्छी हो। तो इसको परफेक्शन करने के लिए मैंने बहुत ख्याल किया और अभी भी कोशिश में हूँ। अभी भगवान चाहेगा तो मैं इससे भी कुछ लाऊंगा चेंज, या तो अगले जन्म में लेके आऊंगा, तो पक्की बात। अभी तो और बहुत आपको हमारे सरप्रस्त रहना है, आशीर्वाद देना है। आप तो हमारे पूरे, मैं क्या बताऊं, इमोशनल सपोर्ट, पूरा मतलब म्यूजिकल सपोर्ट, हर दृष्टि से आप जो, जिस तरह से आपने अपना आशीर्वाद रखा है, वो तो मैं शब्दों में कभी बयान भी नहीं कर सकती। एक चीज मेरे जहन में हमेशा रही है और मैं आपको कभी पूछ नहीं पाई, क्योंकि आप हमेशा अपने आप के अंदर कुछ अपने आप में मगन रहते हैं। मैंने कभी आपके अधरों से बांसुरी को नीचे देखा ही नहीं, सिर्फ प्लेन में शायद आपकी बांसुरी आपके पैक्ड रहती है और ऊपर कैबिन लगेज में होती है, लेकिन बाकी हर वक्त आपके अधरों से रहती है और आप बजाते रहते हैं और म्यूट रहता है साउंड। तो हमें ये नहीं समझ, मतलब मेरे जैसे जो नादान होते हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आप टेक्निक का अभ्यास कर रहे हैं, राग के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं, या आप किस चीज के ऊपर आपकी उस वक्त ध्यान रहता है? ध्यान रहने की बात नहीं, मैं ध्यान हटाने की बात करता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा क्राउड आ जाता है ना, अरे साहब आप बांसुरी बजाते हैं, अच्छा बांसुरी तो मेरे घर के नीचे ही लोग बेचते हैं, आप इससे कितना कितना कमा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए मैं खाली लगा के रखता हूँ,
ताकि वो बोल भी नहीं सके, मुझसे उसका जवाब भी ना मिल सके। नहीं तो मैं ऐसे, ये नहीं कि मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इन लोगों से दूर रखने के लिए, क्योंकि मैं पब्लिक में भी बहुत जाता आता रहता हूँ, कोई ट्रेन में मिल गया, कोई प्लेन में मिल गया, कोई रास्ते में मिल गया, अरे अरे देखो 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 वो बांसुरी वाले, उनका नाम है शिव कुमार जी। अरे मैंने कहा भैया मेरा नाम दूसरा है। अच्छा अच्छा चांद तारी, हाँ हाँ वो तो संतूर वादक है। अच्छा अच्छा आपका, और आपकी मुलाकात तभी तभी, मैंने कहा तो आप देख ही रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं मुझसे। तो इन लोगों को अवॉइड करने के लिए मैं ये सब करता हूँ, मुँह में लगा। नहीं तो मैं कहाँ है, बांसुरी तो ऐसा वाद्य है कि आपको उसको उठाना नहीं पड़ता, ट्यून नहीं करना पड़ता, जस्ट अवॉइड करने के लिए। नहीं तो मैं कहीं मंदिर में भी जाकर बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इन लोगों को अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि मैं दूर रखूँ इनको। और आपने ये जवाब दे दिया और मैंने मान लिया, वाह 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 वाह। नहीं तो दोनों काम, नहीं नहीं ये दोनों काम हो सकते हैं, ये दोनों काम हो सकते हैं, हो जाता है एक तो थोड़ा सा, दोनों काम हो सकते हैं, ये मैं मान सकती हूँ कि दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपकी गहन तपस्या है, क्योंकि ध्यान ध्यान भी मेरा थोड़ा सा उधर है, लेकिन एक बांसुरी लिया। मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जी जी तो मैं क्या है उसको, बड़े कलाकार हैं, उसके साथ साथ आप बहुत महान गुरु हैं, लेकिन आपकी जो तपस्या है वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है। ये आपका प्यार है और ये सच्ची, आप बचपन से हमको देखती हुई आई हैं कि मैं सिवाय बांसुरी हाथ में रहती, तलवार नहीं रहता, या कुछ खाने पीने की चीज नहीं रहती, बांसुरी रखता हूँ ताकि लोगों का ध्यान हमारे से थोड़ा सा दूर हो जाए, या कोई कहे कि जरा फूकिए तो नहीं भाई मैं फूकू बनाइए, बहुत सामना आ रहा है, तो मैं जस्ट अवॉइड करने के लिए मैं ये लेता हूँ। बाकी मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मेरा ध्यान सब समय संगीत पर रहता है, बहुत सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठता उठता हूँ। पंडित जसराज जी हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, किशोरी जी हैं, ये तो हमारे जमाने के हो गए, जिसको कहना चाहिए कि हम यातान से हो गए, या स्वामी हरिदास जी हो गए, ये तो हमारे सामने इनके दर्शन होते हैं, तो कितना मुझे अच्छा लगता है, कितना अहंकार लगता है भाई। उनको तो मैंने देखा भी नहीं और रिकॉर्ड भी नहीं सुना, और कुछ उनके रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सिवाय फोटो में देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ हमारे लिए ये लोग बड़े लोग हैं, कि जब इनका साह लगता तो लगता है कि हम तो पहुंच गए वहीं पर, उसी स्वर्ग में पहुंच गए, भगवान की कृपा है। मैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और सचमुच आपने जो एक कहा कि जो स्वर का आभास होना, उससे जो आपके अंतर से जो एक आवाज आती है वही सच है। तो जैसे आपकी बांसुरी सुन के हमेशा हमें, हर किसी को लगता है कि कृष्ण ने बांसुरी ऐसी ही बजाई है, और वो जो सत्य है वही, हमने भी तो कृष्ण भगवान की बांसुरी आपसे ही सुनी है ना, तो आप मतलब हमारे लिए तो उन्हीं का प्रसाद है, जैसे बापू जी कहते हैं। और एक एक जो आप, आपने जिस तरह से इतना, जितना डेडिकेटेड आपने अपने प्रोग्राम के पीछे आप है, उससे उतने ही डेडिकेटेड, या मैं कभी कभी तो मुझे लगता है डबल डेडिकेटेड, क्योंकि प्रोग्राम 2.5-3 घंटे का हो सकता है, लेकिन बाकी 1.5 घंटे जो है आपने एज अ गुरु इतना बड़ा काम किया हुआ है, इतनी इतने लोगों को आपने सिखाया है, तो उसके पीछे आप कभी ये सोचते हैं कि कम से कम इतने लेवल का शागिर्द होगा तभी मैं सिखाऊंगा, या आपने किस तरह से अपने गुरु वाले एस्पेक्ट को आपने लोगों, मतलब अपने शागिर्दों के पास आप लेके गए? माय क्वेश्चन इज लिटिल, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये, नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं समझ गया, और मैं इसका जो पूरा क्या कहना चाहिए, जिनको मैं श्रेय देना चाहिए वो हमारे पंडित जसराज जी है, जिनको मुझे गाने, आ जाओ बैठो, चलो कानपुर लगाओ पकड़ो, अच्छा नहीं लगा पाओगे ला मैं ट्यून करके देखो, चलो मैं इनको कितने सालों से देख रहा हूँ कि जो भी कोई हो उसमें कभी नकारते नहीं है, इनके जितने गायकों में जितने शिष्य हैं मैंने कहीं नहीं देखा, किसी के साथ नहीं देखा, इनके इनके ही शिष्य लोग चारों तरफ गा रहे हैं, चारों तरफ सिखा रहे हैं, चारों तरफ इनका नाम कर रहे हैं, चारों तरफ अपने घराने का नाम कर रहे हैं,
तो कितनी बड़ी बात है। तो इनसे मैंने भी सीखा, मैंने कहा जो भी होगा जरा सा बांसुरी फूक भी लेगा तो मैं बोला आ जाओ भैया, जरूर आ जाओ, मैं जरूर सिखाऊंगा तुमको। तो मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिटिक है, हमेशा वो बोलती है क्या सिखा रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा राग सिखा रहा, पहले वो राग में उसका फूक तो ठीक करो, पकड़ते कैसे वो तो ठीक करो। तो हमारी बहुत हर प्रोग्राम में मेरे जाती है, मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ, अभी भी जाती है वो, या तबीयत ठीक हो या ना हो मगर जाएंगे जरूर। और वही वो उनका जो जो क्रिटिसिज्म होता है वो सुनने के लायक होता है, और मैं उसी को सही मानता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। तो बस ऐसा लोगों का साथ मैं जैसे कहा ना पंडित जी को देख के मुझे ये ध्यान आया कि जब ये इतना कर सकते हैं मैं क्यों नहीं बच्चों को क्या कहना चाहिए थोड़ा सा शौक लगा सकता हूँ। अगर उनको शौक लगा दिया और अच्छा गाए तो हमको ही याद करेंगे ना, या हमारे परिवार को याद करेंगे, हमारे अपने भाई बहनों को याद करेंगे, कितनी बड़ी बात होगी जी। तो पंडित जी ये वृंदावन जो आपने इतना बड़ा गुरुकुल मुंबई में शुरू किया है और भुवनेश्वर में तो बहुत ही बड़ा है गुरुकुल, तो उसमें आप किस किस्म के शागिर्दों को आप एक्सेप्ट करेंगे या किन किन लोगों के लिए वो दरवाजे खुले हैं? दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एक गुरुकुल है मेरा नहीं इसमें, मुझे वृंदावन नाम का गुरुकुल है। वृंदावन मतलब बांसुरी, जहाँ बांसुरी बजेगी उसी का नाम ही वृंदावन है। तो यहाँ जो भी बेचारे बजाते हैं, चाहे हमारे भाई बहन यहाँ के हों चाहे विदेश के हों, सब आना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। गुरुकुल की एक परंपरा आपको तो मालूम है, आपको देखी है बहुत जगह गुरुकुल देखा है जी। जब वहाँ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना तो आदमी कहीं नहीं जाना चाहता कि घंटे के लिए, हफ्ते में 2 घंटे के लिए जाइए टीचर के पास में, वो भी सो के उठे नहा धो के आए बैठे तो 10 मिनट रह जाता है, अपने एक स्थाई सीख लिया हो गया कभी नहीं। हमारे जब चलता है तो 2-3 घंटे क्लास चलते रहते हैं और बच्चे सुनते हैं, नहीं फॉलो करना हुआ तो फिर पूछते हैं, उसका डिस्कशन होता है, फिर हम लोग तय करते हैं कि कौन क्या कंपोजिशन बजाएगा, कौन कितना कर सकता है। तो ये गुरुकुल का जो वातावरण है वो स्कूल से या गुरु के घर में, इसको भी गुरु का घर कहते हैं, जिसे गुरुकुल कहते हैं, तो गुरुकुल मतलब गुरु का घर है ये। तो यहाँ हम साथ ही रहते हैं गाने बजाने के साथ, उससे सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये होती है कि वो बच्चे सुबह से देखते हैं मैं सुबह से करता है क्या जी। अगर सुबह 4 बजे उठा तो 4 बजे क्यों उठा, और आज सुबह 12 बजे दोपहर को 12 बजे नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा, क्या हमने किया, ये सब सारी चीजें वॉच करते रहते हैं। कौन सा रियाज में क्या करता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, कैसे मैं बात करता हूँ, कैसे मैं संगीत के बारे में बात करता हूँ, कैसे मैं कंपोजिशन के बारे में बात करता हूँ, ये सब वॉच करते करते एक अलग ही वातावरण हो जाता है। लेकिन अब स्कूल में आधा घंटा एक घंटा मिला तो बच्चा क्या पूछेगा और क्या बजाएगा और क्या करेगा। तो इसलिए जो गुरुकुल में मैं यही रहता हूँ, मेरी पत्नी आती है बहुत हेल्प करती है, गाना भी सिखाती है, बच्चों को हेल्प भी करती है, प्यार भी करती है, लेकिन मुझे यहाँ रहना पड़ता है। सही मायने में मुझे बहुत आनंद आता है अपने घर कभी कभी नहीं जाना। अब देखिए मैं जब से ये चल रहा है आजकल का जो दौर चल रहा है बीमारियां, मैं गया ही नहीं हूँ अपने घर। मैं कहता हूँ यहाँ भी तो मेरा परिवार ही है, बच्चे हमारे ही हैं, तो यहाँ रहता हूँ और सबका आनंद लेता हूँ, बातें करता हूँ, खाता हूँ साथ में, हंसी मजाक होती है, वो कुछ मुझसे सवाल करते मैं। और इस बार तो ऐसा कि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं बॉम्बे में। अच्छा। मेरे शिष्यों में। अरे वाह। हाँ, आपने अभी कहीं जाना भी नहीं होता, हम लोग बातें करते रहते हैं और संगीत के बारे में भी, उनके पढ़ाई के बारे में। जी 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 बोलिए। इतनी सारी जो मैंने क्या कहा, फीमेल शिष्य है लड़कियां आप, और इतना अच्छा बजा रही है, और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या मेल फ्लॉटिस्ट और फीमेल फ्लॉटिस्ट में फिजिकल स्टैमिना कुछ आपको लगता है कम या ज्यादा है या दोनों बराबरी में है? हमारी बहनों के पास जितना स्टैमिना, जो मर्द लोग हैं वो थोड़ी देर दिमाग इधर आता है, संगीत में थोड़ी देर उधर जाता है, कह रहे हो आदमी देखो उसको प्रोग्राम मिल रहे हैं
अब थोड़ा ऐसा होता है कि चलो जरा घूम के आ जाए, हाँ बजाएंगे कोई फिल्मी गाने के साथ में लेकर, तो बहुत सारे उनके विचार आते हैं। लेकिन लड़कियां जो सोचती हैं उन्होंने करना है तो करके ही बैठती है, वाह और लोगों के दुनिया दुनिया में बैठ के बता देती है कि हमने जो कृष्ण भगवान ने हमको नहीं सिखाया हमको अभी सीखने को मिल रहा है, हम सिखाएंगे हम कैसा बताए, बहुत अच्छा सब कर रही है। वाह जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बस यही कहना चाह रही हूँ कि ये पहला साल है कि बापूजी हमारे साथ हैदराबाद में नहीं है, लेकिन मैं है रहेंगे, नहीं ऐसा मत वही कहना बोलिए, चाह ऐसा रही मत कि वो बोलिए। है। और एक चीज बताना चाह रही हूँ कि 30 नवंबर को उन्होंने 47 साल तक गाया है, 30 नवंबर को जिस दिन उनके पिताजी की पुण्यतिथि। तो बहुत विचार करने के जी बाद मैंने सोचा कि 30 नवंबर को क्या किया जाए, तो फिर दिमाग में ये बात आई, और पता नहीं कहाँ से ईश्वर की ये बात आई कि बापू जी का ही प्रोग्राम वापस रीस्ट्रक्चर करके उसको लाइव हम लोगों को दिखा आ, 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 लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले, कि बापू जी अच्छा लाइव गा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कम कम 10 म्यूजिशियंस भी रहेंगे जो लाइव उनके साथ बजा रहे होंगे मंच पे। वाह वाह, तो बस ये सोचा कि शायद 30 नवंबर की जो उनकी जो उनका जो वादा है लोगों को, हैदराबाद के लोगों के लिए, कि ये उनके पिताजी के आशीर्वाद के लिए वो वहां बजा रहे गाते गाते आए हैं, तो वो कमिटमेंट उन्होंने पूरे जिंदगी ता उम्र रखा, तो वो कमिटमेंट आप अगर आशीर्वाद दे तो ये कमिटमेंट हम लेना चाहेंगे कि हम हर 30 नवंबर को हम कलात्मक तरीके से बापू जी को वहां पर लाइव हम उनको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आपके भक्ति का जो मैं कहना चाहिए जो मिसाल है मैंने कहीं भी नहीं देखा। सभी अपने माता पिता को प्यार करते हैं, लेकिन आपकी माता पिता का प्यार और भक्ति, तो जो भक्ति है जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से, इनको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल होता है। फिर एक लड़की के लिए सारी दुनिया से झगड़ा करके अपना टाइम अपना ये करके बच्चों को देख के सब कुछ देख के, आप बहुत बढ़िया करेंगे और भगवान आपको बहुत सहायता करेगा। मेरे से जो कुछ हुआ मैं जो भी कहेंगे करूंगा। जी और बहुत आशीर्वाद दीजिए। और इस साल तो खैर जो सिचुएशन है इसलिए मैंने सोचा कि, लेकिन अगले साल आपको हैदराबाद आना है, और बहुत आप हर साल की तरह आए, और इस साल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हमारे साथ खुद ही अपने आप से बिना कहे, ये तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने खुद से फोन करके कहा कि कभी ये मत सोचिए कि अब कैसा होगा। पंडित जी ने, पंडित बापू जी को सन ऑफ हैदराबाद का खिताब मिला हुआ बिकॉज ये वाह फेस्ट, वाह, तो बोले ही इज द सन ऑफ हैदराबाद, उन्होंने इतने साल हम सब की सेवा की, अब हम उनकी सेवा करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इतने प्रेम से वो सामने आए। अगर मैं उनके पीछे पीछे भागती फिर आते तो बात अलग होती, लेकिन खुद से दिमाग में रख के उन्होंने फोन करके खुद से काम शुरू किया। ये ऐसे कलाकारों की अगर प्रेम और इज्जत मिले तो लगता है कि हाँ सही हुआ है। ये अच्छा लगा मुझे बहुत, मैं उनकी तहे दिल देखिए से। आप कितनी बड़ी कितनी कितनी बड़ी बात आपने कह दिया। एक आदमी जो है जिनको आप अपने काम में बिजी रहते हैं काम में व्यस्त रहते हैं, उनको संगीत से भी कितना प्यार है, ये हमारे तेलुगु देशम और तेलुगु लोग जो है इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि गाना बजाना क्या है और सरस्वती माँ क्या है, और बड़ी भक्ति करते हैं। मैं तो बहुत साल से इनसे प्रेम है, इनके फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत प्रेम था। तो सीरी बनेल्ला हमारी एक पिक्चर थी, अभी भी जब जब मैं जाता हूँ, बहुत साल पहले बनी थी, अभी भी मैं वाह जाता तो मुझसे कहते हैं कि गाना सुना दीजिए उसका। मैंने कहा मेरे पास वाह शब्द नहीं है। तो बहुत मजा आता है और बड़े अच्छे लोग हैं। और देखिए पहले मैं तो सोचता हूँ इस कम्युनिटी से कोई ऐसे प्रेमी आए होंगे जो आप उसको जीवन में नहीं भूलेंगे। ये कहीं दूसरी जगह भी होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि हमको आके हेल्प करें, हमारे माता पिता के बारे में अच्छी बात सोचे, उनको प्रोजेक्ट ना भी करें तो अच्छी बात सोचे। ये कितनी बड़ी बात है। जी भगवान आप जहाँ भी चाहेंगे जो भी चाहेंगे, आपके पापा का हो दुनिया का हो सबका आशीर्वाद आपके ऊपर भी है। भगवान करे सब भी अच्छा होगा। बहुत बहुत बहुत, मैं धन्यवाद नहीं कहूंगी, आप बस यूं ही आशीर्वाद दीजिए। मैं ITC का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ,
और मैं आपको स्पेशली ये कहूंगी, फिर से एक बार कहूंगी, बापू जी ने कहा हरी बाबू से शुरुआत करो, कभी कोई दिक्कत, बस ये मेरे बस लिए ये मेरा गुरु मंत्र है। और आप इतना प्यार और इतना आशीर्वाद हमेशा ही रखते हैं, मैं फिर से एक बार आपको नतमस्तक होके साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, और नमस्कार, प्यार नमस्कार, से आपको बहुत बहुत प्यार से प्रणाम करती हूँ फिर से। बहुत बहुत और धन्यवाद। 29 और 30 तारीख नवंबर को हैदराबाद में CCRT माधापुर हाईटेक सिटी में ये प्रोग्राम साक्षात हो रहा है, फिजिकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, डिजिटल नहीं, हम लोग जी, फिजिकल प्रोग्राम भी कर रहे हैं लिमिटेड ऑडियंस के साथ, और फिर बाकी वर्ल्ड ओवर के लिए हम डिजिटल जाएंगे। लेकिन हाँ, 2 दिन का ये फेस्टिवल हो रहा है, ये हैदराबाद का बड़ा प्रोग्राम, मतलब ये शायद पहला बड़ा प्रोग्राम है जो होने जा रहा है, और ये इस माहौल में हो रहा है, ये भी बहुत, इसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए, सब चीज के लिए आशीर्वाद ही चाहिए बस। नहीं, मैं आपके साथ हूँ और साथ रहूंगा। हो जी सकता है मैं वहां मैं भी आ जाऊँ, क्या मालूम क्या। लेकिन आप देखिए, आप जहाँ जहाँ आप ये काम करेंगे, जो आप काम करना चाह रहे हैं अपने परिवार की संगीत के प्रेम और पूरे परिवार का इसमें संगीत में लगन, और जितनी बात है, जितना विद्या जो उनको दान दिया है, आपको सारी दुनिया हेल्प करेगी और सब आपके पीछे रहेंगे। डोंट वरी, मैं जब भी मेरी कोई काम काम हो या कोई जरूरत हो, मुझे जरूर कहें, मैं आके करूंगा। नमस्कार, जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, लव यू, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।